वेलकम टू लकेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लकेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज जो वीडियो नंबर लेके आया मैं, आज वीडियो नंबर हमारी 32 है, ठीक है। और सुनना स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आज क्या कराऊंगा आपको, आपको मैंने जैसे बताया था 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ पढ़ाने लग रहा हूं मैं, जिसके अंदर हमने 4.3 स्टार्ट की थी 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। पेज नंबर आप 88 ओपन कर सकते हो और बुक लेकर बैठ जाओ। इसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 4.3 का क्वेश्चन नंबर हमारा होगा फिफ्थ। लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ डिस्कस किया था, इस वाले में करेंगे फिफ्थ। अब जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है, हर वर्ड प्रॉब्लम को मैं वन बाय वन सोल्व करवाता हूँ। तुमने देखा होगा एक एक वीडियो लेके आता हूँ, 10-10 मिनट की होती है, 12-12 मिनट की, 16-16 मिनट की, बट उसमें बिल्कुल फोकस उस एक वर्ड प्रॉब्लम पर नहीं होता है। उससे लेकर जितने भी कंसेप्ट बनते हैं उस वर्ड प्रॉब्लम से लेकर हम उसमें सारा डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन सारे स्टूडेंट, ठीक है। चलो भैया, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली'स मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। पहली लाइन बड़ी मस्त इंटरेस्टिंग है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अब मैं समझाते हुए। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, भाई दो सब्जेक्ट है उसके पास, दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर उसको 30 मार्क्स आए, ठीक है। पता नहीं 100 में से आए किस में से, बड़ी नलायक बढ़ती है तो चोरी। हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, उसने गोट किए 2 मार्क्स ज्यादा मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, अच्छी बात है। इंग्लिश में किए 3 लेस, बढ़िया, इंग्लिश में वैसे डूब जाओ। प्रोडक्ट ऑफ देयर वुड हैव बीन, इन दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना है, 210 है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा समझना अच्छे से। मैं एक बार बता देता हूँ, मैं आप स्क्रीन से क्वेश्चन हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, शेफाली की स्पेलिंग का तो सीन बड़ा बुरा ही है, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। लेट द शेफाली मार्क्स इन मैथ्स लिख रहा हूं मैं पहले, ठीक है, मैथ्स समझना बिल्कुल बारीकी से। मैं पहले बताता हूं, मैं इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूं, समझना। सपोज करो आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, ये मैथ के मार्क्स हैं और ये है हमारे पास इंग्लिश के, ठीक है। टोटल मार्क्स आए हमारे पास 30, मैं कहता हूं आपके मैथ में आए 5, तो मुझे बताओ इंग्लिश में कितने आए होंगे आपके पास, सभी स्टूडेंट बताएंगे, बताओ भाई। अगर आपके पास मैथ में 5 आए तो आप बताओगे इंग्लिश में कितने आए बच्चों, 25 आए, क्योंकि तुम्हें सम पता है ना 30 है। मैं बोलता हूँ मैथ में तुम्हारे 10 आए तो इंग्लिश में कितने आए होंगे तुम्हारे, 20 आए होंगे। मैं बोलता हूँ मैथ के अंदर कितने आए, 20 आए, तुम बोलोगे मैथ में इंग्लिश में 10 आए, है ना। तो क्या कर रहे हो तुम, अब सुनना क्या कर रहे हो आप, 30 में से माइनस कर रहे हो, इस 5 को माइनस करो 30 में से, 30 में से माइनस करा 10, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक चीज गिवन है तो दूसरी निकालनी है। इसी तरीके से आप अपने कंसेप्ट पर आते हैं, सुनना बड़ी बारीकी से। अगर मैं शेफाली के मार्क्स मैथ में एक्स मान लेता, एक्स मार्क्स आए उसके, कितने मार्क्स आए, ठीक है, कितने एक्स है, तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कितने आए होंगे आप बताओगे, इंग्लिश में कितने आए बच्चों, मैंने बोला था मैथ में 10 तो आपने बताया इंग्लिश में 20, मैंने बोला मैथ में एक्स, आप बोलोगे भैया ये क्या कर दिया, ऑब्वियस बात है मार्क्स तो पता ही नहीं तुम्हें। मैंने बोला इंग्लिश में 10, मैथ में 10 तो आपने बोला इंग्लिश में 20, क्यों, तुमने 30 में से 10 माइनस करके देख लिया भाई इतने आए होंगे मेरे। मैंने बोला एक्स आ गए, अब तुम्हें पता है एक्स क्या होता है, नहीं, तो 30 माइनस एक्स आ गया, डन। 30 माइनस एक्स क्यों किया भाई, टोटल 30 है, अगर मैं मैथ के एक्स मान लेता तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। बात समझ में आई यहां तक की, बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं और अब एक एक करके बारीकी से समझना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक सेकंड मार्कर उठा लेता हूं, देखो देखो इसने बोला हुआ है मैथ्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला हुआ है मैथ्स के अंदर, इन मैथ्स के अंदर टू मार्क्स क्या है, ज्यादा आ गए, 2 मार्क्स ज्यादा आ गए। पहले कितने थे शेफाली के मार्क्स आप बताओगे, एक्स थे, तो मैं बोलूंगा मैथ के अंदर कितने होंगे, एक्स प्लस 2 मार्क्स, कितने आ गए, एक्स प्लस 2 मार्क्स, बात समझ आ गई यहां तक, ठीक है। अब मैं बोलता हूं इसने एक लाइन लिखी हुई 3 लेस, इंग्लिश के अंदर उसके कितने हुए,
इंग्लिश के अंदर कितने आए होंगे उसके मार्क्स? 3 लेस, मैं यहां पर लिख रहा हूं 3 लेस, ठीक है। तो आप बताओगे 3 लेस, पहले कितने हुए इंग्लिश के? 30 माइनस एक्स माइनस 3। बात समझ में आ गई भाई? उसने बोला भाई इंग्लिश के 3 लेस आए हैं आगे, तो अब कितने हो गए? ये हो गए हमारे, इसमें से 3 माइनस करूंगा तो 20 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, ये हमारे क्या आ जाएंगे उसके मार्क्स आ गए। ये दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमें गिवन है, अब बताया है कि वुड हैव बीन सी गोट कितना 210, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन x प्लस 2 और ये आ गया हमारे 27 माइनस एक्स और ये आ जाएगा 210। अगर आइडेंटिटी लगा दोगे आप इसके अंदर तो मजा आ जाएगा, है ना, मजे वाली बात। बट वही बात है, तुम्हें तो आइडेंटिटी भी लगा के दिखाऊंगा मैं और सिंपल भी सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे। इसको इससे इंटू करो तो इससे इंटू करा तो आ गया आपका 27x, ठीक है, और इसको इससे करा तो कितना आ गया 54 आ गया, ठीक है, और इसको इससे करा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया और इसको इससे किया तो माइनस का 2x आ गया, ये क्या आ गया 210 आ गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर है बात, एकदम मजा आ गया। सुनना अब मैंने क्या करा, इसको इससे इंटू किया ये आ गया, इससे इंटू करा तो ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते फटाफट। देखो पहली बात तो ये माइनस का 2x है, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल इसको सोल्व करते हैं। इसको इससे किया तो कितना आ गया 25, कितना आ गया 25x आ गया। ये माइनस का 210 तो इधर आकर, सॉरी प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 210 माइनस का प्लस का 54 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। याद है, बात क्लियर हो गई। इसके बाद आगे सोल्व करता हूँ मैं इसको, तो इसको आगे सोल्व करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, इसको 210 में से 54 माइनस करने को कितना आ गया 6 आ गया, ये उधर क्या कहते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 5 आ गया और ये 156, ठीक है, तो 156 आ गया, तो ये आ जाएगा 25x, ठीक, और ये माइनस का है तो माइनस का 156 और ये हो जाएगा माइनस का एक्स के इक्वल्स टू 0। अब बोलोगे भैया देखो भाई इसमें से ले लो माइनस भार, कॉमन ले लेते हैं, माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का और ये माइनस का है तो ये प्लस का, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का तो प्लस का वन, ये 25 माइनस को जाएगा माइनस का 25x और माइनस का 150, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये 1 माइनस का और जो प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156x, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा सुनो अब बच्चों, मेरी एक आइडेंटिटी थी, मैं डायरेक्ट इस टैब पर ला सकता हूँ, इतनी सिस्टम करने की नीड ही नहीं है, बताऊँ कैसे। देखो वेरिएबल सेम डिफरेंट है ये, देखो अब दिखाता हूँ मैं, मैंने आइडेंटिटी बताई थी, अगर मेरे पास आइडेंटिटी है एक्स ए और एक्स बी है ऐसे कुछ करके, तो आप इसको डायरेक्ट लिखोगे एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए बी इंटू कर दो। तो देखना आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, देखो एक्स 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 स्क्वायर, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर माइनस का एक्स है, तो माइनस का एक्स, तो माइनस का एक्स बाहर आ गया, कौन सा वाला स्टेप था ये रहा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, डन भाई, दोनों को इंटू तो करा मैंने, यहां पर ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा इसके बाद ए प्लस बी 2 और 27 कितना आया ये हमारा, ये आ गया हमारा 20 कितना आ गया ये हमारा 29 आ गया, बट यहां पर क्या था माइनस था हमारा, क्या था यहाँ पर माइनस का एक्स है, अगर मैं इसमें माइनस बाहर लूंगा तो यहाँ पर माइनस के प्लस का हो जाएगा 27 और इसमें क्या हो जाएगा मेरा, इसमें क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 25 आ जाएगा, ये 25, ठीक। अब इसको इसे इंटू कर लेना और इसको इसे इंटू करने के बाद कितना आएगा 54 आएगा, कितना आएगा, हाँ 54 आएगा और यहाँ पर मेरा ये क्या है 54 है, ठीक है, ये 54 210 में माइनस करा है ना भाई, मैं तो इसका सोल्यूशन बताया है, ये वाला तो अभी अलग है ना, तो इसको करोगे तो अभी आ जाएगा, सुनना आइडेंटिटी, बड़ा मजा आया। अब सुनना आगे बढ़ते हैं, अगर ये तब भी नहीं आता तब भी आप ऐसे कर सकते हो। अब डायरेक्ट मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, माइनस b की वैल्यू कितनी है आप बताओगे, माइनस ऑलरेडी बाहर है और माइनस का 25 है, तो प्लस का 25 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, 4a a कितना है मेरा 1, c कितना है मेरा 156 है, और वो भी किसका है, ये गड़बड़ तो नहीं है कहीं इक्वेशन, ये एक सेकेंड इक्वेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है ये इक्वेशन सही है एकदम, ठीक है। अब देखना इसको इस इंटू कर लेते हैं, 2 और a कितनी है 1 है, a 1 ही है ना, 1 है तो 1 लिखते नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस माइनस ये 625 है और इसको इस इंटू कर लो 156 को इंटू करोगे तो कितना आएगा 156 को किससे इंटू करना 4 से, तो कितना आ जाएगा
ठीक है, तो याद रहेगा 6 to 4, ठीक 6 to 4, तो 6 to 5 में से 6 to 4 माइनस करोगे तो आपको सबको पता है ये 1 होता है, क्या होता है 1 आ जाएगा और रूट का 1 1 ही होता है। तो एक बार आप माइनस करोगे 25 + 1/2 और एक करोगे 25 - 1, तो ये आ जाएगा हमारा 26/2 और एक आ जाएगा 24/2, एक की वैल्यू आएगी 13 और एक की वैल्यू आएगी बच्चों 12 आएगी, एक 13 आई एक 12 आई। अब सुनना, अब मैथमेटिक्स यहाँ पर दो दो आपको आंसर दे रखे होंगे, कैसे कैसे मैं बता देता हूँ। अगर एक बार मैं 13 लेता हूँ, अगर मैथ के उसके 13 मार्क्स आ गए तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश में उसके कितने आए होंगे, 13 माइनस कर दो इसमें से, तो माइनस करोगे तो आप बताओगे 17 आए। लेकिन अगर उसकी 12 मैं वैल्यू ले लेता हूँ, अगर मैथ में उसके 12 आते तो आप बताओगे उसके अंदर इंग्लिश में कितने आए होंगे, उसके 18 आए होंगे। ये आपके चार आंसर आपके एनसीईआरटी बुक्स में गिवन होंगे। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक ही हम रखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो एंड तक देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सच में क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक जरूर ठोक के जाना। बाय बाय, 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना। हैव ए नाइस डे।